हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हमारे स्टूडेंट हैं जो कि पूरा वायरिंग कर चुके हैं और इनसे एक तो हम बल्ब लिए हैं, ये दोनों बल्ब, और बिना पेचकस और बिना टेस्टर से हम जुड़वाएंगे ताकि इनको थ्योरी में हर एक चीज क्लियर हो गया और ये प्रैक्टिकल भी इनका हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले सावधानी क्या रखेंगे इनको पता होना चाहिए, ठीक है। सावधानी रखते हुए आप इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल फेस से इसमें कहीं से भी आपको न्यूट्रल फेस देखिए इसको क्या करना है, चालू करना डायरेक्ट, ठीक है। ये पकड़िए बल्ब और ये आपके दो वायर, ठीक है। ये पूरा सर्किट अभी चालू है और ये हमारे स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा अभी इनका इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है और ये जोड़ेंगे अभी, ठीक है, कनेक्शन का। और सावधानी रखिएगा, जो वीडियो ये देख रहे हैं वो नहीं करेंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप ये नहीं करेंगे, ये सीखने के बाद ही करेंगे। और फाइनली देखिए, अभी ये करने जा रहे हैं। आप नहीं करेंगे जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को यूट्यूब पे, क्योंकि इनको ट्रेनिंग दिया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इनको ट्रेंड किया गया है। देखिए, अभी बल्ब जलेगा, अब जैसे जोड़ेंगे ये, देखिए फाइनली ये जोड़ भी दिए। कैसा लगा आपको? कर लेंगे, अब समझ में आ रहा है। सावधानी रखे थे, इधर देखिए सावधानी रखे थे, प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत? मतलब आप सोच, इसके पहले ही सब कुछ किए थे कभी? नहीं। चलिए आरसीसीबी गिरा के दिखाइए तो जरा अपना। चलिए आरसीसीबी चालू करिए और फाइनली, चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो एक और स्टूडेंट है, अब इनसे भी वही प्रैक्टिकल कराएंगे। तो सबसे पहले सर्किट अपना चालू करते हैं क्योंकि पूरे सर्किट में लाइट है। और देखिए, एक बल्ब और एक होल्डर को हम दे दिए हैं, अब ये कहाँ से इस बल्ब को कहीं से भी जोड़ के चालू करना है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए, आपके पास सावधानी है, सब कुछ पता है, थ्योरी में पढ़ाया गया है? देखिए, बल्ब हमारा अभी बंद है गाइज, आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा बिना ट्रेनिंग लिए हुए। और देखिए, बिना डरे ये कर भी दिए, तो देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन, समझ में आ गया? हाँ सर। अब मालूम चल गया लाइट कम मारेगा कम नहीं मारेगा, फेस नहीं बनता चलाएगा था। ठीक है, चलिए आप अब अपना रिमूव ये निकालिए, बल्ब होल्डर निकाल दीजिए जैसे जोड़े हैं। अब चलिए, अब इनका नंबर है, फाइनली हमारे पास एक बल्ब है, एक होल्डर है, हम ले लिए इसे। और देखिए, पूरे सर्किट में भी हम लाइट फ्लो करा देंगे और यहाँ से हम चालू कर देंगे, ठीक है। एक पूरा करंट फ्लो हो रहा है, एक स्टूडेंट अभी यहाँ किए थे, अब दूसरे स्टूडेंट हमारे यहाँ करेंगे और ये बल्ब को चालू करके दिखाएंगे। तो इनको पता है कैसे चालू करना है, कहाँ से न्यूट्रल फेस लेना है, जो सब पता है, और कैसे करंट मारेगा, कैसे लाइट मारेगा, नहीं मारेगा, सब इनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिला है, सब बताया गया है, ठीक है। तो अब लीजिए, अब इसको हम चालू कर दीजिए। तो जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया पैसा नहीं करेंगे बिना सीखे, बिना किसी से ट्रेनिंग लिए हुए। हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है, जो भी आके सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। देखिए, बल्ब भी जल गया, हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत? वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का। तो अब इनका वायरिंग का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो ये वायरिंग भी कर चुके हैं, वायरिंग पूरा हो चुका है आपका? यस सर। चालू करिए। ठीक है, अब चेंजर बदलिए यार अपना। ठीक है, चालू करिए चेंजर। ठीक है, एमसी एक रूम बंद करके दिखाइए कोई। आरसीसी भी कैसे टेस्ट करेंगे मंथली में? ठीक है, चालू करिए आरसीसी भी, पूरा रूम बंद करिए, एमसीबी का पूरा सर्किट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब चालू करिए पूरा सर्किट, एक दो तीन चार। ठीक है, तो ये वायरिंग देख सकते हैं इसमें क्या क्या लगा है, चेंजर लगा है, एमसीबी टाइप, आइसोलेटर, आरसीसीबी, और चार रूम के लिए चार एमसीबी। जो चार रूम देख रहे हैं, एक रूम
दो रूम, तीन रूम और चार रूम। इस रूम में देखिए भी दो एमसीबी इसमें भी लगा है, इसमें भी दो एमसीबी लगा है, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं जो एवन टेक्निकल के, जो हाउस वायरिंग का कोर्स इनका कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो हम आरसीसी भी स्ट्रिप कराएंगे लीकेज करा के लिए हैं, और अर्थिंग न्यूट्रल और फेस हम यहाँ से ले लिया आरसीसी भी किक पॉइंट से। तो देखिए ये बल्ब अभी जलेगा, ठीक है, पूरा बंद हो गया, चालू करो एक बार, ठीक है, गिर गया, चालू करो फटाक से, चालू कर लेते हैं।